हमारी बात इस पे हो गई, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए पे। हाँ भाई, इस पे बात हो गई क्या हमारी? कितना आंसर कितना था, भूल गया मैं? कितने लोगों को याद है ये बताओ आप तो? कितना कितना बता रहे विकेश के पीछे? हाँ क्या, हाँ बोल दे, दो बैठे बैठे बोल दे, एन ए की पावर एन ए की पावर एन माइनस एन। ये आप जितना ज्यादा इसको मुश्किल से याद करेंगे उतना तकलीफ है, मेरी बढ़ा रहे हो आप, और मेरी कम बढ़ा रहे हो आप, अपनी ज्यादा बढ़ा रहे हो, क्योंकि कल हम लोगों ने बहुत छोटी छोटी चीजें करी थी, याद है तो आपको, ठीक है ना? अरे जबरदस्त, आप सोचो लिमिट का मैंने क्या मजाक बना के रख दिया था कल, है ना? जब हम लोग वन अपॉन नीचे वाली की डिग्री और ऐसी बकवास करने लग जाए तो समझो हमने कल्याण कर दिया बच्चे लेक्चर का, क्योंकि इतने नीचे लेवल पे आ गए, स्कोर करना अच्छा नहीं है। कल हम लोगों ने ये भी करके देखा था, कईयों को याद होना चाहिए उम्मीद है, आंसर एम बाई एन, याद है ना? कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन ये वाला जरूर किया होगा, के इक्वल टू वन से लेकर के एन तक एक्स की पावर के माइनस एन अपॉन में एक्स माइनस वन, किसी को याद है इसका मैंने क्या किया था? इसका मैंने क्या किया था? इसको खोल दिया था, क्या क्या बन गया था ये? एक्स, सोचो, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर फोर से बढ़ते बढ़ते एक्स की पावर एन तक, और तब तक एन के क्या किए थे? एक 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 करके टुकड़े किए थे कि नहीं किए थे? फिर एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस वन से बढ़ते बढ़ते एक्स की पावर एन माइनस वन, सबके नीचे एक्स माइनस वन, और हर एक का आंसर वन टू थ्री ऐसे आता गया था, याद आ गया? हाँ, मेरे को ये याद दिलाना पड़ता है कि भाई ये किया है हमने, ठीक है? अच्छा, कल लास्ट में जब हम लोग वाइंड अप कर रहे थे तो एक बहुत जबरदस्त चीज पे हमारा बात चल रहा था, सैंडविच थ्योरम, बैठा भाई, क्या आपको याद है कि सैंडविच थ्योरम क्या कहती है और कैसे करती है? याद है आपको? मैंने आपको ये बताया था कि अगर भाई दुबे है ना, आपको ये बताओ कि कोई एक फंक्शन, तीन फंक्शन इस प्रकार से हो कि एक फंक्शन यूज आ रहा है, एक फंक्शन यूज आ रहा है, और एक फंक्शन यूज आ रहा है, और एक ही पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर आकर के तीनों के तीनों सेम हाइट पे आते हैं, बाकी अलग अलग चल रहे हैं, वो अलग स्टोरी है, ठीक है? ऊपर वाला फंक्शन एफ एक्स है, नीचे वाला फंक्शन जी एक्स है, और उसके नीचे वाला एच एक्स है, राइट है भाई? हम लोग साफ साफ ये जानते हैं कि एफ एक्स अपने आप में सबसे ऊंचा है, जी एक्स और ऊंचा है, और सबसे नीचे कौन है? एच एक्स। अप्लाई होने के बावजूद भी पहली बात तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, है ना भाई? तो लिमिट ये इज ग्रेटर देन टू लिमिट ये जी एक्स इज ग्रेटर देन टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एच एक्स होगा, एक बात। और दूसरी बात, अगर कहीं से हमारे को ये कि इसकी लिमिट एक्स टेंस टू ए पर और इसकी लिमिट एक्स टेंस टू ए पर, माने ए पर इसकी ऊंचाई माने किसकी ऊंचाई, एफ एक्स की ऊंचाई पता चल जाए और एच एक्स की ऊंचाई पता चल जाए, तो हमें बताया क्योंकि दोनों की ऊंचाइयां सेम है, तो जो इनके बीच में बैठा होगा वो भी सेम हाइट पे होगा, तो हम लोग ये कहते हैं कि लिमिट एक्सटेंस टू ए पर एफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो अगर एल है, कितनी है? एल है, और इसकी वैल्यू भी अगर एल है, अगर इसकी वैल्यू अगर एल है और इसकी वैल्यू भी अगर एल है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि लिमिट एक्सटेंस टू ए जी एक्स की वैल्यू भी एल होगी, और यही सैंडविच थ्योरम है, राइट है? रेयरली यूज है, रेयरली यूज है, कैसे रेयरली यूज है वो बताता हूं। जैसे क्वेश्चन में पूछने वाला क्या पूछ सकता है, सपोज कीजिए, है ना, थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन भी डालता हूं, किसी ने कहा कि इफ एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स अपने आप में कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है? अच्छा, फिर आगे कहता है इंक्रीजिंग फंक्शन है एफ एक्स, अच्छा, एंड लिमिट एक्सटेंस टू इन्फाइनाइट, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फाइनाइट एफ थ्री एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है? देन वो पूछता है कि बताइए लिमिट एक्सटेंस टू इन्फाइनाइट एफ टू एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अगर ऐसे देखा जाए तो बड़ा ही अलग तरह का क्वेश्चन है,
कहता है ये एफ थ्री एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू अगर वन है तो बताओ एफ टू एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सुन लिया अगले में। लेकिन आप में से कितने लोग ये समझ पाएगी एक्स टेंस टू इन्फिनिट का मतलब होता है जब एक्स कहां पहुंच जाए, इन्फिनिट पे पहुंच जाए, तब एफ थ्री एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है। अच्छा, एक और बात सोचते हैं, क्या आप ये मानते हैं कि एक फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, सपोज इंक्रीजिंग है तो यूं बढ़ता जा रहा होगा, बढ़ता ही जा रहा होगा, और सारी कहानी कहां पर रची जा रही है, इन्फिनिट पे, जब एक्स कहां पहुंच जाए, इन्फिनिट पे। तो मैं इन्फिनिट पे आपके सामने जानबूझ करके तीन पॉइंट दिखाता हूं, तीन पॉइंट दिखाता हूं। पहला पॉइंट है एक्स, उससे थोड़ा और आगे जाकर के एक और पॉइंट ढूंढता हूं टू एक्स, उससे आगे जाकर के एक और पॉइंट ढूंढ लेते हैं हम लोग थ्री एक्स। क्या आपको पता है एक्स पर जो हाइट होगी उसे बोलूंगा एफ एक्स, टू एक्स पर जो हाइट होगी उसे बोलूंगा एफ टू एक्स, और जो थ्री एक्स पर हाइट होगी उसे बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं। कितने लोग ये मानते हैं, कितने लोग ये मानते हैं कि मैं आपको बता पा रहा हूं कि एफ थ्री एक्स एफ टू एक्स और एफ एक्स में से कौन सबसे ऊंचा है, एफ थ्री एक्स। श्योर है? हाँ या ना? वैसे इंफिनिट पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं बचता, लेकिन फिर भी है ना, मैं ये कह सकता हूं कि एफ थ्री एक्स इज ग्रेटर देन टू एफ टू एक्स एंड एफ टू एक्स इज ग्रेटर देन टू एफ एक्स, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं। अरे भाई जो सबसे ऊंचा है, हाँ या ना? सही है ना? हो सकता है इंफिनिट पे जाकर के हो सकता है बराबर भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, इक्वल भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन है दिखने में सांप बदलता है, थ्री एक्स सबसे आगे होगा तो एफ थ्री एक्स ऊपर भी हो सकता है, ज्यादा से तो बराबर भी होगा। यहां तक में तो कोई एतराज नहीं है आपका। अच्छा, अब एक छोटा सा काम करते हैं, मैं सब में अगर मैं एफ एक्स का भाग लगा दूं तो किसी को एतराज? इस पूरे में एफ थ्री एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, में अगर मैं एफ एक्स से डिवाइड कर दूं तो इज इट ओके फॉर एवरीबडी और कोई प्रॉब्लम है? सही है क्या? कर सकता हूं ना, एक ही चीज से डिवाइड करता हूं चलेगा ना? तो कितने लोगों को लगता है कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं और इस जगह पर अगर लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिट अप्लाई करता हूं तो लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिट तीनों पर अप्लीकेबल होगी और रिलेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा? कितने लोगों को पता है इसकी वैल्यू कितनी दी है? इसकी वैल्यू वन दे रखी है, हाँ या ना? अच्छा, कितने लोगों को पता है ये दोनों तो और क्या दे देंगे, ये तो वन दे देंगे, हाँ या ना? और इसका मतलब ये कि लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिट पर एफ टू एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, किसके बीच में? वन के बीच में, हाँ या ना? इधर भी वन उधर भी वन, तो इसके पास कौन सा ऑप्शन बच गया? ये क्या बोले, वन, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिट एफ टू एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू वन, पता चलिए आपको ये बात, है ना? तो याद रखना, जबरदस्त यूज, सबसे पहले तो एप्लीकेशन दिखा दी कि देखो कैसे यूज होता है ना? अब मैं आपको बताता हूं मेरा क्या अचानक से इसमें रोल आ गया, वो भी बताता हूं। आज आप बहुत सैड सैड से लग रहे हो, क्या चक्कर है? तीन क्लास है। ये वाला क्वेश्चन था, अगर आप में से किसी को याद हो, लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिट ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1x प्लस 2x प्लस 3x और ऐसे बढ़ते बढ़ते एन एक्स और अपॉन में नीचे की तरफ कितना एन स्क्वायर। हाँ भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर कितनों को याद है? क्या ट्रिक क्या थी इसकी? एक्स अपॉन नीचे वाले की डिग्री, याद आया कि नहीं आया? हाँ, इसका जो बेसिक तरीका है ना, इसका जो बेसिक तरीका है, वो सारे क्वेश्चन जिनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की सीरीज लगती है, वो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है। ठीक है, सैंडविच यूरो। अच्छा, एक छोटी सी बात और जानना चाहता हूं, क्या आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ याद है? अभी भी कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ऐसा तो नहीं है कहीं? ऐसा ही क्या? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि ये वाली वैल्यू जो है, अगर वाई में मैं सबको मिला दू तो ये वाई इक्वल टू क्या है? एक्स है। ये पता है आपको ये क्या चीज है? वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू नहीं एक्स माइनस वन, वो मैं क्लियर कर देता हूं, कितना एक्स माइनस वन। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और बात पूछनी है मेरे को, किसी एक मोमेंट पे जैसे मान लीजिए मैंने ये सपोज करो ये जीरो है, ये वन है और ये टू है, और ये टू है और ये थ्री है, मैं सपोज टू और थ्री के बीच में 2.5 पे बात कर रहा हूं, कहां पे 2.5 पे बात करता हूं, तो कितने लोग मेरे को बता सकते हैं कि 2.5 पे सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर कौन है? एक्स ऊपर है या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऊपर है या एक्स माइनस वन ऊपर है? एक्स, हाँ या ना? इसका मतलब मैं ये जानता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो होता है ना, वो हमेशा किसके बीच में होता है? एक्स और एक्स माइनस वन के बीच में होता है।
हाँ या ना, वो हमेशा x और x माइनस वन के बीच में होता है। बस आप ये बता दो ग्रेटर देन कौन रखेगा, माने ये यू लिखना सही है गलत है, पहले बता दो आप सही है क्या भाई? अच्छा, और ये यू लिखना भी सही है? अच्छा, कितने लोगों को पता कि अगर मैं यही बात टू पे करता, कहां पर? टू पे करता, ठीक टू पर, तो क्या आप ये मानते हैं कि ठीक टू पर कोई दो जने बराबर हो गए? कौन कौन से दो जने? एक्स और, तो इसका मतलब यहां पे इक्वल का साइन आ सकता है। नहीं आया समझ में? आई बात समझ में? इसीलिए हर बार कहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज लाई इन बिटवीन एक्स एंड एक्स माइनस वन। क्या मैं अपनी बात रख पाया? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ऑलवेज लाइंग इन बिटवीन एक्स एंड एक्स माइनस वन। अच्छा, कितने लोगों को मेरी बात ये समझ में आ गई कि सर ने मेरे को समझाने की कोशिश करी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है वो हमेशा एक्स और एक्स माइनस वन के बीच में पाया जाता है, राइट है? तो आप में से कितने लोग ये मान सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x होगा वो हमेशा 2x माइनस वन और 2x के बीच में पाया जाएगा? नहीं यही बात समझ। तो आप में से कितने लोग सोच सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x, सोच लिया आप लोगों ने, 3x माइनस वन और 3x के बीच में पाया जाएगा? क्या लगता है ये बढ़ते बढ़ते किसी दिन nx तक जाएगी बात? और तब दुनिया वाले इसको चिल्ला चिल्ला के देखो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर nx जा रहा है जो कि कहां से कहां के बीच में पाया जाता है, nx और nx माइनस वन के बीच में। हाँ या ना? फिर ये जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले लोग हैं सब जुड़ जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद ये कैसे दिखेंगे? ये ऐसे दिखेंगे, कईयों को दिखेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x और ऐसे जुड़ते रोड़ते कहां तक? ग्रेटेस्ट इंटीजर ns तक। हाँ या ना? अगर आपने इनको जोड़ा तो उधर वाले लोग भी कहेंगे हमें भी जोड़ो, और अगर मैंने उन्हें जोड़ दिया तो सब लोग जानते हैं ये सब जुड़ेंगे। हाँ या ना? क्या क्या जुड़ेगा? x 2x 3x से लेके कहां तक? ns तक। तो दुनिया कहेगी जुड़े क्या क्या लोग? x 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहां तक? n तक। और पीछे वाले माइनस वन माइनस वन माइनस वन कितनी बार? माइनस एन। क्या मेरी बात समझ पा रहे? कितने लोगों को लगता है इधर भी जुड़ेगा कुछ? क्या कॉमन आएगा? एक्स अंदर ही अंदर क्या हो रहा होगा? वन प्लस टू प्लस थ्री से लेके कहां तक? एन तक। क्या आप मेरी बात मान रहे हैं? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे सिर्फ डिवाइड बाई एन स्क्वायर करना है? अगर मैं डिवाइड बाई एन स्क्वायर करूंगा तो डिवाइड बाई एन स्क्वायर इधर भी करूंगा, डिवाइड बाई एन स्क्वायर इधर भी करूंगा, डिवाइड बाई एन स्क्वायर इधर भी करूंगा, और लिमिट क्या लगाऊंगा? लिमिट भी तो लगाऊंगा। बोलो क्या लगाऊंगा? n टेंस टू इन्फाइनेट, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनेट, लिमिट n टेंस टू। अच्छा, मेरे को याद नहीं आ रहा है कि इसके बारे में आप शायद जानते हैं, इसका कोई ट्रिक थी, वन अपॉन, नहीं यार ट्रिक बताओ, ट्रिक, वन अपॉन नीचे वाले की डिग्री, वन अपॉन नीचे वाले की डिग्री और बाहर कौन है? x, तो ओवरऑल क्या हो गया? अरे वाह, x by 2, तो कहने का मतलब इसका आंसर आ गया x by 2। अच्छा, इधर वाले के बारे में बात करें, एक मिनट पहले उधर वाले के बारे में बात करते हैं। ये दोनों कट गए, कटेंगे ना, तो जैसे आप n की जगह इन्फाइनेट लगाओगे, वन अपॉन, बोल नहीं रहे यार, वन अपॉन इन्फाइनेट नहीं है, जीरो बन गया, पैसे तो हटा दू। और ये इधर देखो ना, इधर ट्रिक लगेगी क्या कोई? कौन सी ट्रिक? 1/2, तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना बन गया? अरे यार, ये तो x by 2, और इसीलिए शायद ऊपर लिखा जाता है कि आंसर इज x by 2। क्या बात समझ पाए मेरी? नहीं यार, क्या प्रॉपर रास्ता मिल गया? है ना, इसीलिए सैंडविच थ्योरम का ये एक एप्लीकेशन है। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम हो रहा हो, यूज दिस मेथड। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की सम सीरीज में यूज करें। है ना, अब जरा सैंडविच थ्योरम का दूसरा यूज सीखें। ठीक है, मुझे भी ये जान करके बड़ा अच्छा लगा था जिन दोनों मैंने पढ़ाना चालू करा कि सैंडविच थ्योरम अच्छा इसमें भी ज्यादा यूज कर लेते हैं। हम तो इसे दूसरे तरीके से किया करते थे, लेकिन वो तरीका ज्यादा लंबा पड़ता था। सैंडविच थ्योरम का ये तरीका ज्यादा बेहतर पड़ता है। सैंडविच थ्योरम का दूसरा यूज कब कब होगा? सीरीज के क्वेश्चन में, सीरीज के क्वेश्चंस में ध्यान रखना भाई। सैंडविच थ्योरम का यूज सीरीज के क्वेश्चन में ध्यान रखना। अभी सीरीज के क्वेश्चंस क्या हैं? मतलब वी कैन यूज सैंडविच थ्योरम इन क्वेश्चंस ऑफ सीरीज। अभी सीरीज वाले क्वेश्चन क्या है? फोटो देखते ही बच्चा जानता रहता है भाई साहब, बच्चा जान जाता है कि अच्छा ये तो सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे? देखो वैसे आया 1/n², फिर अगली बार आ गया 1/√ में कितना, n² + 1, फिर अगली बार आ गया 1/√(n² + 2), और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये गाड़ी को खींचता ले गया कहां तक? 1/√(n² + 2n) तक। कहां तक?
कितने लोगों को लग गया कि हाँ सीरीज का क्वेश्चन आ गया सर? नहीं आया? सीरीज का क्वेश्चन दिख गया? हाँ, सबसे पहले पहला काम क्या करें, इसका एक घर का नाम रख दें कि बेटा तू आज से एल है, याद है ना, एल स्टैंड फॉर लल्लू, है ना भाई? हाँ भाई, ये लल्लू है ना, अरे लल्ला, ठीक है, ये अपने घर से एल है। अब कहानी की दूसरी छोर पे चलते हैं। अब करना क्या है, सबसे छोटे और सबसे बड़े को पकड़ लो। कौन बता सकता है इस पूरी कहानी में एक एक आदमी देख लो सबसे छोटा कौन है? ये वाला सबसे छोटा, सबसे छोटो, हाँ या ना? सबसे बड़ा कौन है? फर्स्ट वाला, रेडे, सबसे मोटू, ठीक है भाई? हाँ भाई, अब काम की बात नंबर दो पकड़ो, ठीक है? वो लोग अपने आप पे ना ले कि सर मेरे बारे में बात करे, ठीक है? हाँ भाई, अब कितने लोगों को लगता है कि सुनना धीरे धीरे, बड़ी खोपड़ी वाली बात है कि ये जो एल है, ये जो पूरी सीरीज है, ये जो पूरी सीरीज है, ये बड़ी है सबसे छोटों की इतनी बड़ी बरात से। मैं क्या बोला, सबसे छोटों की इतनी बड़ी बरात से, माने ये जो बरात है ये ऑटोमेटिकली ऑब्वियस ही बात है बड़ी होगी सबसे छोटों की इतनी बड़ी बरात से। दिखा दो मेरे कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब वन अपॉन अंडर द रूट ऑफ सबसे छोटा कौन है, एन स्क्वायर प्लस टू एन, है ना? मैं यही लिखना चालू करता हूं हर बार। कितने लोग मेरे को बता सकते हैं टोटल कितने टर्म्स की सीरीज है, ये बता दो बस, आप तो मजा आ जाएगा। सोच के बोलना, 2n नहीं, बहुत नजदीक जाके गोला गिरा है। ये है 2n प्लस 1 की, क्यों? क्योंकि ये लिखा है जीरो, तो जीरो से लेकर के 2n तक कितने टर्म्स होते हैं? 2n प्लस 1, तो ये 2n प्लस 1 टर्म्स हैं। अच्छा, ये भी गिनना आते हैं, आने चाहिए क्या? और क्या नहीं, दो, ठीक है? क्यों? क्योंकि उतनी बारात आपको भी तो लगानी है, नहीं है? सबसे छोटे की उतनी बार बारात लगानी है, माने उतनी बार वो लिखना है, तो उतनी बार लिखने का मतलब सर उतनी बार लिखना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं, नाटक करना है, दुनिया को बताना है ना गिन करके जनसंख्या थी। यहां पे बता दे दुनिया को, ये 2n बार लिख दिया, 2n प्लस 1 बार लिख दिया, राइट है? नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया, आएगा थोड़ी देर बाद, आएगा थोड़ी देर, मेरे को भी नहीं आया था पहली बार में तो, ठीक है? लेकिन जैसे ही समझ में आया, वाह क्या वाह क्या शॉट है, ठीक है? अच्छा देखो, उधर की तरफ देखना, कितने लोगों को लगता है कि ये जो भी एल है ये सबसे बड़े इतनी बार लिखे होते तो ऑब्वियस ही बात है उससे तो छोटा होता। देखना सबसे बड़ा कौन, ये, तो इसका मतलब मेरे को वन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर कितनी बार लिख लेना चाहिए? 2n प्लस 1 बार, ये भी मैंने 2n प्लस 1 टाइम्स लिखा है, एम आई करेक्ट? सही ना भाई, यहां से यहां तो मैं तो कोई तकलीफ नहीं। अब जल्दी से सोच के जवाब देना, क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो, ये मैंने जो लिखा है ये कितने लोगों की खोपड़ी में घुसा दिया मैंने? नहीं है, ऑब्वियस ही बात है। अगर मैंने सबसे छोटा 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 लगाया होता, जैसे मान लो, एक सेकंड, अपन मानते हैं ये पांच ही जन थे, कितने थे? पांच जन, राइट है? पहले की उम्र होती एक साल, दूसरे की होती तीन साल, है ना? कितनी होती? पांच जने होते, पहले की उम्र एक, तीन, अगले की पांच, अगले की सात और अगले की नौ, राइट है? तो ऑब्वियस ही बात है ये जो है ये हमेशा बड़ा होता सबसे छोटे को पांच बार लिखने से। अरे सोचो ना, सबसे छोटा कौन? वन, ये तो बड़ा होता ना, और ये छोटा होता ऑब्वियस ही बात है तो सबसे बड़े को पांच। अरे इतनी तो कोई भी सोच सकता है भैया, तो फिर लिख क्यों रहे हो? बच्चे को लगता है सर लिख क्यों रहे? अरे मजा आएगा थोड़ी देर बाद, इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है? पहले लिख ले, पहले तो आदत डाल, सबसे छोटे को उतनी बार लिख दे, सबसे बड़े को उतनी बार लिख दे, लिख करके बीच में बैठ जा। अब बस एक काम कर, शॉर्ट लगा तू तो और आनंद ले कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट मैंने सब पे चिपका दिया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट सब पे चिपका दिया। कितने लोगों को बताइए कितनी बार था? प्लस वन बार। तो कितने लोगों को लगता है कि जिस दिन ये जुड़ेगा 2n प्लस 1 अपॉन रूट ओवर n स्क्वायर दे देगा? नहीं आया समझ में? सब में कॉमन क्या आएगा? सब में कॉमन क्या आएगा? कितना सोचो ना, क्या कॉमन क्या आएगा? वन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या क्या छूट जाएगा? वन 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 वन, तो टू एन प्लस वन बार, अगर वन वन जोड़ोगे तो टू एन प्लस वन नहीं आएगा? उधर की तरफ कितना रह गया? एल, राइट है? अच्छा सोचो सब में कॉमन क्या आएगा, बोलो बोलो, आपको अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन आया ना? टू एन, बचेगा क्या अंदर? वन वन वन, तो ऊपर की तरफ कितना दिखेगा? टू एन प्लस वन, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट,
कौन बताएगा इसका आंसर? लिमिटेड एंट्रेंस टू इन्फिनिटी, इसका आंसर बोलो आपको कैसे पता? सर वो कौन सा केस है? ऊपर की डिग्री वन, इसकी डिग्री इक्वल अपॉन इक्वल का केस है कि नहीं? तो आंसर कितना हुआ? टू। और इसका आंसर कितना हुआ? इसका आंसर क्यों क्यों नीचे की डिग्री वन, ऊपर की डिग्री वन, तो टोटल केस इक्वल अपॉन इक्वल, तो आंसर कितना हो गया? टू। इसका मतलब एल भैया के पास में क्या ऑप्शन बचा कि बन जा बेटा टू? नहीं आया? आया तो एल इज इक्वल टू टू। उफ, कितना मुश्किल से आप लोगों ने मुंह बना बना के खाया। रुको 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 रुको, ठीक है रुक जाओ भी है ना, ठीक है। वन अपॉन अंडर रूट के, लिमिट टेंड्स टू इनफिनिट। मान लो कल को क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। हाँ भाई, कितने लोग बता सकते हैं? सीरीज खोल दो आप तो। पहले नंबर का आदमी बोलो, पहले नंबर का आदमी। वन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर, अगला बोलो। वन अपॉन एन स्क्वायर, अगला कौन होगा? एन स्क्वायर प्लस वन होगा, और क्या होगा? सीरीज में अगला कौन होता है? एन स्क्वायर का, एन स्क्वायर प्लस वन। अगला बोलो, एन स्क्वायर प्लस टू। आखिरी बोल दो आप तो, के की जगह एन प्लस वन का होल स्क्वायर, एन प्लस वन का होल स्क्वायर। कितने लोगों को लगता है एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन? नंबर ऑफ आदमी बोलो, टू एन प्लस टू। नहीं है? बड़े बड़े लोग, सिर्फ बड़े बड़े लोग हाजिरी दें, बाकी दिमाग नहीं लगाएं, ऐसा आड़ी नहीं है। देखो आप तो दिमाग लगाओ, सबसे बड़ा कौन? ये कि ये वाला सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन? ये वाला, और ये मोटा, हाँ या ना? हाँ भाई, जल्दी से सोच के जवाब देना। एल लिख दूं? यस सर। इधर उधर तीर लगा दूं? यस सर। हाँ या ना? छोटे की बारात इधर लगा दूं? यस सर। छोटे वाले से तो बड़ा होगा, कितनी बार लिखना है? टोटल कितनी टर्म्स है? टू एन प्लस टू, याद है ये जीरो है, तो जीरो से टू एन प्लस वन तक कितने टर्म होते हैं? टू एन प्लस टू। कितने लोगों को लगता है कि मैं आपका टाइम खराब करे बगैर सीधा लिख दूं? टू एन प्लस टू अपॉन अंडर रूट में कितना? एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन। आया सिद्धार्थ? अब चमका, क्योंकि मैंने पहला लगाया था ना, तब तक तो आपको लग रहा था भारी है, लेकिन दूसरे में क्वास है, क्या ये चिल्लर है, इसमें कई को रोना। इसमें बोलो आप तो, टू एन प्लस टू अपॉन अंडर रूट में एन स्क्वायर, इसका आंसर बोलो टू, इसका आंसर बोलो टू, आंसर बोलो टू। क्या बकवास है, नहीं आया अभी भी? और ये तो चमकिया। ये जब तक आप सजावट करके लिखोगे ना, और जब तक आप ऐसे लिखते रहोगे, आप जिंदगी में मैथ्स नहीं सीखोगे। जब आप इसको उतरियाओगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा, आ गया मुझे, आ गया। नहीं दौड़ी नहीं गाड़ी आपकी, दौड़ गई है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप में से कई लोग भूल चुके हैं कि हम लोग किस पे थे। हम लोग चल रहे थे लिमिट एक्सपेंड टाइप क्वेश्चंस पे, याद है आपको? टाइप क्वेश्चंस। अब मैं उसके पार्ट टू पे चल रहा हूं, ठीक है, पार्ट टू पे, सेकंड पार्ट पे। हाँ भाई, अब सेकंड पार्ट में जाने से पहले बहुत ध्यान से देखिएगा, समझाना चाहता हूं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, किसी ने कहता है कि अगर मैं आपको ये बता दूं, फंक्शन है जिसको दुनिया वाले एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन फाइव एक्स माइनस सेवन देखते हैं, राइट भाई? देन आप दो बातें पता करके बताएं। हमने कब बताएं जनाब? ठीक है, पहला आप बताइए कि लिमिट एक्सटेंस टू इन्फाइनाइट एफएक्स क्या होगा, राइट है? सेकेंड आप हमें बताइए कि लिमिट एक्सटेंस टू इन्फाइनाइट, ठीक है, नहीं, लिमिट एक्सटेंस टू माइनस इन्फाइनाइट एफएक्स क्या होगा? हाँ भाई, अब जरा ध्यान से देखना, कितने लोग देख पाते हैं? अरे चिल्लर है चिल्लर, यू उछलेंगे और आप खटखट खटखट समेट दोगे। ये देखो, कई अगर आपकी बुद्धि भौंट है भौंट, तब आप इस तरह की चीजों से डरते हो, और जरा सी भी सजग है तो आपको ये पता चलता है ये एफएक्स है ना, सर ने एफएक्स दिया तो है, तो लगा पहला काम। लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिट एफएक्स की जगह क्या लगाओगे? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन फाइव एक्स माइनस सेवन, हाँ या ना? अब एक छोटा सा काम करता हूं, इस एक्स स्क्वायर को बाहर बुला लूं? बुला लूं? हाँ, बुलाना जरूरी है, इस जगह बिना बुलाए मत जाना, बार बुलाओ। बुलाते कितने लोगों को पता है कि एक बार के लिए इंटरमीडिएट स्टेप, इंटरमीडिएट स्टेप, एक बार के लिए इंटरमीडिएट स्टेप, एक्स स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर बुलाने पे ये बन जाएगा मॉडेक्स, मॉडेक्स, याद है आपको? तो अंदर क्या छूटेगा?
1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या 5x माइनस 7, ये इंटरमीडिएट स्टेप क्या होता है, बीच का स्टेप जिस पे हमारी नजर नहीं होती, हम डायरेक्ट x बोलते हैं। आप सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते, लेकिन बीच में आपका दिमाग इसको कैच नहीं करता, इसको कैच करना सिखा रहा हूं। x टेंस टू क्या है, इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट किधर होता है, जीरो के इधर होता है कि उधर होता है, इधर। हाँ या ना, इधर पॉजिटिव मिलते हैं या नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इसका मतलब x पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव है तो मॉड x की जगह, मॉड x की जगह x हो जाएगा। इसका मतलब दुनिया कहेगी कि लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट, मॉड x की जगह क्या लगा दूं, x। राइट नाउ इट इज x एंड ये 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में, तब तक नीचे वाले ने भी x दान दे दिया था, क्योंकि लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट का मंत्र होता है दोनों लोग अपनी अपनी टॉप डिग्री बाहर फेंक देते हैं, तो अंदर क्या बच गया 5 माइनस 7 बटा x, क्या ख्याल है, x x कट गया। कितने लोग बताएं x की जगह इन्फाइनाइट लगते ही, ये कितना, ऊपर कितना, नीचे कितना। अच्छा कितने लोगों को होता है बी पार्ट, बी पार्ट आपको चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट, ऊपर की तरफ अंडर रूट में कितना x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में नीचे कितना 5x माइनस 7। कितने लोगों को इंटरमीडिएट स्टेप अभी भी याद है, क्या बचेगा मॉड x, अंडर रूट में क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, नीचे क्या होगा 5x माइनस 7। कितने लोग बताए x कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव अगर हो जाए तो माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस एक्स, रूट ओवर में कितना 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे से एक्स कॉमन आया, अंदर ही अंदर क्या बचा 5 माइनस 7 बटा एक्स, एक्स एक्स काट दूं, हाँ या ना, और एक्स की जगह क्या रखूं माइनस इन्फाइनाइट या इन्फाइनाइट। याद रखना बस, ये माइनस इन्फाइनाइट सिर्फ यही बताने के लिए आता है कि मॉड एक्स का जो इंडिकेटिव आंसर आएगा वो माइनस लेना है, इससे तो कुछ नहीं है, बाकी ये वापस किसकी तरह बिहेव करता है, इन्फाइनाइट की तरह। तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट 5 7 अपॉन इन्फाइनाइट 0, तो ओवरऑल आंसर क्या, मेरी बात पहुंच पाई अब तक, नहीं आई है ना, है ना, है ना, है ना, कॉपी अगला, कॉपी अगला, चलो 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 चलो। हाँ साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं, रेडी। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन फिर थोड़ा दर्दनाक ले सकता हूं, देखे कितने जने आप में से तैयार हैं इस बात के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन सोच के जवाब, अगला क्वेश्चन सोच के जवाब देना, रेडी। अगला क्वेश्चन है, लिमिट दे रखी है x टेंस टू इन्फाइनाइट, क्वेश्चन में दे रखा है x माइनस 3 की होल पावर 40, यहां दे रखा है 5x प्लस 1 की होल पावर 10, और अपॉन में नीचे दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 2 की होल पावर 25। हाँ भाई, पहली बात बताओ आप में से कितने लोगों को याद है किसका क्वेश्चन है, लिमिट, लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट का क्वेश्चन। ऐसे में कितने केस बताए थे मैंने आपको, 3, याद है कि नहीं। ऊपर की टॉप डिग्री बोलो, x की डिग्री कितनी बोलो ना 40, इस x की डिग्री टोटल डिग्री 50, नीचे इस x की डिग्री 50, माने किसका केस है, इक्वल बाय इक्वल का, और इक्वल बाय इक्वल में सब लोग अपना क्या देंगे कॉफिशियंट, अगर सब लोग अपना अपना कॉफिशियंट देंगे उसका कॉफिशियंट बोलो 1 की पावर 40, पूरा बोलो ना, इंटू इसका बोलो 5 की पावर 10 अपॉन नीचे बोलो 3 की पावर 25। क्या मेरे को कुछ बोलने की जरूरत है क्या, आ गया कि नहीं आ गया आंसर, इज इजी एज दैट, नहीं आया, चलो अगले पे, है ना, वापिस एक चिल्लर क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट बार हूं, है ना, बहुत देर जैसा मजा नहीं आ रहा था। हाँ भाई, मैं धीरे 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 आपको सरकाता ला रहा हूं उस जगह पे जहां मैं आपको लाना नहीं चाहता था, मेरे को इस बात के लिए बहुत खेद है, लेकिन मेरे को काफी देर तक कई अच्छे स्टूडेंट्स को भला देना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा बहुत मीडियोकर स्टूडेंट को थोड़ा नुकसान हो सकता है। एन प्लस 1 की पावर ए माइनस 1, और ब्रैकेट में दे रखा है प्लस एन ए प्लस 2 एंड सो ऑन, बढ़ते बढ़ते एन ए प्लस एन तक। ये आईआईटी 2013 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, कोड 4, ठीक है, उसका क्वेश्चन है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कहानी में क्या दर्दनाक है। जब ये क्वेश्चन आया तो बच्चों ने आकर के हमसे पूछा था, सर यह है किसका, ये तो बता दो चैप्टर का नाम तो बता दो। मैंने कहा बाहर क्या दिख रहा है, लिमिट, सर लिमिट में तो ऐसा कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वाकई में नहीं आ सकता था। हायर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन या खतरनाक लेवल ऑफ नॉलेज, उस पर एक क्वेश्चन बेस्ड है, लेवल है वो सुनना, इसको समझाने के लिए मेरे को वो चीज जो आपकी बार बार देखी हुई है ना, उसी को नए तरीके से ऑटोप्सी करनी पड़ेगी, पोस्टमार्टम करके दिखाना पड़ेगा,
आप में से हर जने को ये पता है, एक प्लस दो प्लस तीन से लेकर के एन तक का सम होता है। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, एन स्क्वायर बाई टू प्लस एन बाई टू, सोचो आप। देख लिया आप लोगों ने, पहली बार आप लोगों ने इस तरह से एक फॉर्मूले की धज्जी उड़ते देख ली। अच्छा, दूसरी बात, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर से लेकर के अगर मैं एन के स्क्वायर तक जाता हूं तो हर जने को पता होना चाहिए एन स्क्वायर प्लस एन इंटू में टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। थोड़ी और धज्जी उड़ाते हैं इसकी, एन क्यूब डिवाइड बाई थ्री, सोच लिया। अच्छा, ये कितना हुआ, टू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बोले तो थ्री एन स्क्वायर बाई सिक्स माने एन स्क्वायर बाई टू, सही है। अच्छा, यहां से देखा जाए तो एन बाई सिक्स, सोच लो। नहीं आया समझ में, है ना? अपने कभी इस लेवल पे धज्जी नहीं उड़ाई, जब तक उड़ाएंगे नहीं हम धज्जी तो अब तक आप समझ ही नहीं पाओगे। मेरी कसूर नहीं है, मेरा कसूर नहीं है इस मामले में, है ना? अभी आपको लास्ट चीज की तरफ लेके चलता हूं, एक का क्यूब दो का क्यूब से लेकर के बढ़ते बढ़ते एन का क्यूब, एन इसका मतलब होता है एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया एन स्क्वायर प्लस एन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई चार। अरे एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, जिनको आता है वही हाँ वरना, ठीक है, नहीं तो सोचना नहीं है ना। लेकिन ये जरूर सोचना है इसके आगे का, एन की पावर फोर बाई फोर प्लस टू, नहीं एन क्यूब डिवाइड बाई थ्री, एन क्यूब डिवाइड बाई टू, और उधर से देखा जाए तो एन स्क्वायर बाई फोर, सही है, ठीक है। अब मैं जब तक आपको तीन चीजों की ऑटोपसी नहीं दिखाऊंगा तब तक आप मानते नहीं कि हाँ भाई ये जो मैं कह रहा हूं सही है। अगर मैं आपसे पूछूं इस एन की डिग्री कितनी है, तो यहां पे लिखा है एन की पावर वन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन, क्या माने बात? अब तो देख लिया आप लोगों ने, यहां एन की डिग्री कितनी है, टू, तो यहां लिखा है टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, पहले आदमी पे नहीं आया समझ में, दूसरे वाले का कोई नियम नहीं है, दूसरा वाला रेंडमली आ रहा है, तीसरा वाला रेंडमली आ रहा है, लेकिन जो बात हर किसी में कॉमन है वो उस पर नजर डालो। यहां अगर एन की डिग्री तीन है तो यहां लिखा है एन की डिग्री थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन, तो कितने लोगों को लगता है कि ऊपर की तरफ जो कुछ भी लिखा है उसमें 100% बात है कि एन की डिग्री ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन तो पक्का है? नहीं आया। और जो बाद में आने वाले लोग हैं, बाद में कौन आएगा क्या आएगा कोई मतलब नहीं, कितने डिग्री का है, क्योंकि ए पे डिपेंड करता है कि नहीं, तो अगला जो भी होगा, है ना, जो कुछ भी होगा, ठीक है, वो डेड डैश पीछे आता रहेगा। नहीं, बात समझ में, वो आता रहेगा पीछे, सही है ना? इतना तो सही है। अच्छा, जो भी होगा एक बात पक्की है कि अगर ये, अच्छा ये भी देखना, ये अगर n की पावर 3 है तो अगला n स्क्वायर है, तो ऑब्वियस बात है कि ये n की पावर a प्लस वन है तो अगला n की पावर a ही होगा। हाँ यार, अपॉन में मैं कुछ लैम्डा ले लेता हूं, क्या आएगा मुझे क्या पता यार, मैं कब तक ढूंढता फिरूंगा, मेरे को जो पक्का है वो इतना बता दिया, ठीक है ना। अच्छा, बाद वाले की n की डिग्री a माइनस वन अपॉन में म्यू ले लेता हूं एंड सो ऑन करके छोड़ देता हूं, ठीक है ना भाई, मैंने इस बात को यहां तक रख के छोड़ दिया। ये बात मैं आपको अगर डायरेक्ट लिख देता तो हमें से कई लोग तय कर लेते आज सुसाइड करके रहूंगा। हाँ या ना, अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने आपका सुसाइड थोड़ा सा डिले कर दिया, ठीक है। हाँ साहब, अगले पॉइंट के ऊपर इसी के आगे बात चल रही है, क्या आप ये बात समझते हैं कि यहां जो लिखा है एन की डिग्री, अगर देखा जाए तो एन की डिग्री, एन को बाहर बोला लिया मैंने, बाहर बोला थे ए की एन की पावर, बहुत बढ़िया, ए माइनस वन खुद की जगह वन प्लस वन अपॉन एन, श्योर कर देता आपको। कितने लोगों को लगता है एन ए एन ए एन ए कितनी बार है, फटाफट देखो सोचो कितनी बार है, एन बार, एन ए एन ए एन बार जोड़ू तो कितना कितना एन स्क्वायर ए, थोड़ा धीरे धीरे आएगा, अरे ए ए एन बार जोड़ू तो एन ए, एन ए एन ए एन बार जोड़ू तो एन स्क्वायर ए, श्योर करो, श्योर है ना भाई, एन स्क्वायर ए प्लस एक से लेकर के एन तक, एक दो तीन से लेकर एन तक का सम, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू उर्फ एन स्क्वायर बाई टू प्लस एन बाई टू, मैं भी उधर ही देख रहा था। हाँ भाई, अच्छा कितने लोगों को लगता है कि पूरी कहानी में से यहां से कॉमन आ सकता है टॉप डिग्री एन स्क्वायर, एन स्क्वायर और ये एन की पावर, टोटल डिग्री एन की पावर, सोच कर देखो कॉमन क्या ले सकता हूं, ए प्लस वन मानते हो, और ऊपर वाले की टॉप डिग्री, हाँ ये तो यहां तक समझ में आया, और ये तो कटेगा, ये तो कटेगा, नहीं आया अभी भी, एन की टॉप डिग्री ए प्लस वन कॉमन खेच दू, एक मिनट कॉमन खेचने से पहले भी है ना एक बार जरा, है ना, मानवीय न्यूनतम दर्जे तक पहुंच जाए, एन की पावर ए प्लस वन मैंने टोटल में कॉमन ले लिया भाई लोग, आपके कहने पे वन अपॉन वन बाई एन, राइट है, इसमें से एन स्क्वायर कॉमन लेने पर अंदर क्या बच रहा है, ए प्लस यहां से वन बाई टू प्लस
वन बाई टू एन एम आई श्योर नहीं है अच्छा और क्वेश्चन वाले ने आगे भी दे रखा है कहता है इक्वल टू वन अपॉन सिक्सटी है ये पता चल गया वन बाई सिक्सटी है अच्छा तो ये एक सेम ये भी 1 बाई सिक्सटी कर दू ये भी 1 बाई सिक्सटी कर दू ये भी 1 बाई सिक्सटी कर दू और क्या बता रहे थे ये एन की पावर ए प्लस वन होगा या नहीं होगा 1 बाई एन होगा किसकी पावर ये वाला अच्छा ओ हो ए माइनस वन ये ए माइनस वन ओके हाँ भाई हाँ सही है अच्छा तब तक अपन लोगों को पता है कि ऊपर वाले से टॉप डिग्री कितनी बच रही थी एन की पावर ए प्लस वन कॉमन ले लू है ना यहाँ पे क्या बचेगा वन अपॉन ए प्लस वन यहाँ पे बचेगा वन अपॉन लैम्डा एन सोचो प्लस यहाँ पे क्या बचेगा वन अपॉन म्यू म्यू एन स्क्वायर क्या कहते हो आप लोग आइए ना और जैसे ही मैं आप पे आपके सामने पूछूंगा कि लिमिट एन टेंस टू इनफिनिट लगा दूं लगाते ये वाली पार्टी ये वाली पार्टी जीरो और ये वाली पार्टी वन बचेगा वन की पावर कुछ भी वन हटा दूं ये वाली पार्टी क्या बचा नीचे ए बाई टू तो कहने मतलब नीचे की तरफ बच रहा है ए प्लस वन बाई टू श्योर है अच्छा और ऊपर की तरफ क्या बच रहा था वन अपॉन ए प्लस वन इक्वल टू में कितना 1 बाई सिक्सटीन अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस वन इज इक्वल टू में 60 ए प्लस 30 क्या ख्याल है इसका मतलब ये हो जाएगा 60 ए प्लस 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 60 ए प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस वन हाँ भाई ये कितना हो जाएगा 60 ए स्क्वायर प्लस 30 ए प्लस ये 90 है ठीक है प्लस 30 माइनस वन 29 हाँ या ना देख लेना सॉल्व कर लोगे आगे हाँ या ना तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो ए इजल टू कुछ 7 और माइनस का 17 बाई 2 आ जाएगा चेक कर लेना कर लेंगे नहीं वैसे आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं थी आपको मेरी मदद की जरूरत सिर्फ तीन स्टेप तक थी क्या आपको बेस पकड़ में आ गया ठीक है हाँ भाई अगला टाइटल पकड़ रहा हूं भाई लोगों अननोन वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चन वही लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट में ही चल रहा है करो बात क्वेश्चन वाला कहता है कि फाइंड एबीसी इफ करूं इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू दे रखा है जीरो और एक्सटेंड्स टू दे रखा है इन्फिनिट यहां क्वेश्चन में दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन नीचे दे रखा है एक्स ये कोई दो लिमिट नहीं है दो क्वेश्चन एक साथ में लिखे हैं नहीं है इसका मतलब पहली बार आपको लिमिट एक्सटेंड्स टू और अगली बार लिमिट एक्सटेंड्स टू कितने लोगों को ये चीज एक मिनट रुक जाना जरा रोक करके समझ ही लेते हैं क्या कहना चाहता हूं मैं सोच के जवाब देना अपॉन एक्स ठीक है थोड़ा और भी एक काम करते हैं इक्वल टू वन कर लेता हूं ठीक है थोड़ा और मेरे को मजा आ जाएगा ठीक है चलिए मैंने इक्वल टू वन किया तो यहां भी इक्वल टू वन आ गया नहीं आई बात समझ में आ गया अब रुकना और सोच के जवाब देना खोपड़ी का खेल है खोपड़ी का सबसे पहले क्या चेक करते हैं फॉर्म एक्स की जगह अगर मैंने जीरो रख दिया तो नीचे क्या आ रहा है जीरो एक्स की जगह अगर मैंने जीरो का जीरो जीरो और सी और आपको बताए सी बाई जीरो इन्फिनिट हो जाएगा और इन्फिनिट होने पर आंसर वन नहीं आएगा इसका मतलब कुछ लफड़ा था इसका मतलब ये कि सी जीरो रहा होगा इसका मतलब ये कि सी जीरो रहा होगा क्यों सर जीरो क्यों रहा होगा कल को ये जीरो रहा होगा तो ये जीरो ये भी जीरो और ये भी जीरो तब फॉर्म बनी होगी जीरो बाई जीरो और किसी ने या तो लॉपिटल लगाया होगा या इसे सॉल्व किया होगा और सॉल्व करने के बाद आंसर वन आ सकता है नहीं आया इसका मतलब यह कि दुनिया में जब भी नीचे जीरो हो आपको यह मान लेना है ऊपर अगर जीरो ना बन रहा हो तो आपको मान लेना है कि ऊपर जीरो बन रहा हां सही है ना तो तभी आपके पास में वन जैसा आंसर आ सकता है अदरवाइज आ ही नहीं सकता तो कहने मतलब यह कि इट हैज टू बी
जीरो, न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में जीरो आया, ठीक है, तो न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो होगा, हैंस सी इक्वल टू जीरो आएगा, नहीं आया पहली बार, तो सबसे पहले एबीसी में सी पकड़ लो, सी भैया आप जीरो बन जाओ, क्योंकि आप जीरो नहीं बनोगे हमारी गड्डी नहीं चलेगी, पहली बात। अब दूसरी बात, अगर सी जीरो हो गया तो कितने लोगों को लगता है कि सी के जीरो होते ही, ये वाली बात भी आपके दिमाग में उतार सकता हूं कि लिमिट अगर एक्सटेंस टू जीरो है तो मैं आपको कितने लोगों को ये समझा सकता हूं कि जो लिखा है वो है ए एक्स प्लस बी बाय एक्स, नहीं आया समझ में, क्या कहते हो, नहीं आया, आ गया श्योर करो आप, आ गया, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर ये इक्वल टू वन आ गया तो आपको पता है आगे पीछे एक्स की जगह क्या लगाओगे, जीरो, श्योर है ना, अगर आपने एक्स की जगह जीरो लगा दिया, फिर से दिमाग लगाना, ये क्या बन गया जीरो, ये क्या बन गया जीरो, और एक्स की जगह जीरो लगाते ही नीचे जीरो आ गया, इसका मतलब बी क्या बन गया इन्फाइनाइट, लेकिन अगर ये इन्फाइनाइट बन गया तो फिर क्या होगा, फिर से वन नहीं होगा, लेकिन ये तो आपने रोका ही नहीं मुझे कहीं, क्या लगता है आपको ये बी तो बी था, नहीं आया अभी भी, अरे ये कैसे आया था ए एक्स, मैंने एक्स का भाग लगाया था, किसका एक्स स्क्वायर में किसका भाग लगाया था एक्स का, क्या बचा था ए एक्स, और यहां जब लगाऊंगा तो क्या बचेगा बी, हाँ है ना, अब आई बात समझ में, और इक्वल टू में कितना चल रहा है वन, तो एक्स की जगह जीरो रखते ये कितना बन गया जीरो, और फिर बी इक्वल टू कितना हो गया वन, तो आपके पास में बी इक्वल टू वन आ गया कि नहीं आ गया, तो आपके पास में सी की वैल्यू जीरो और बी की वैल्यू वन आ गई, किसकी वैल्यू टंग गई ए की, ए कहां से लाओगे, कितने लोगों को पता है कि एक कुछ भी होता जीरो से गुणा होने के बाद वो जीरो हो ही जाता, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर, अरे कुछ भी होता, नहीं आई बात, अरे ए तो कुछ भी होता ना, ए की जगह अगर पांच होता तो पांच इंटू जीरो जीरो, तो बी बी इक्वल टू वन हो जाता, ए अगर दो होता तो दो इंटू जीरो प्लस बी इक्वल टू वन हो जाता, तो बी जीरो हो जाता, नहीं है अभी भी थोड़ा डिफरेंट है ना, तो कहने मतलब ये कि ए बिलोंग्स टू आर, बी इतना सी इतना है ना, हाँ नहीं मेरे पास नहीं ये जगह ही है, अच्छा मैं उधर आ जाता हूं, फॉर्म एक्स की जगह क्या रखूंगा इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट यहां रखते ये कितना, ये कितना, ये कितना, कुछ भी सब पे इन्फाइनाइट जोड़ते ही क्या बन गया इन्फाइनाइट, बना के नहीं बना, ओके तो इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट का आंसर वन आया, आंसर वन आया, इसका मतलब सॉल्व किया होगा लास्ट में वन बचा, अच्छा जल्दी से सोच के जवाब देना, जिस दिन मैंने एक्स का डिवाइड मार दिया बन गया एक्स, श्योर है, अच्छा प्लस ये कितना बन गया बी, प्लस ये कितना बन गया c बाय एक्स इजिकल टू कितना लाना है वन, कब लाना है जब लिमिट में x की जगह क्या रखूंगा इन्फाइनाइट, जल्दी सोच के जवाब देना कि अगर मैंने इन्फाइनाइट सबसे पहले यहां रख के दिखाता हूं ये क्या बन जाएगा, क्या जीरो, अगर मैं कहता हूं c की क्या वैल्यू हो के जीरो बने, कुछ भी c कुछ भी हो नीचे अगर x की जगह इन्फाइनाइट रखा तो इन्फाइनाइट बनेगा, सॉरी जीरो बनेगा, माने c बिलोंग्स टू, ये कितनों को आ गया, नहीं आया अभी भी, आया, अच्छा चलो सोच के जवाब दो, अगर ये जीरो बन गया तो उस मौके पे जैसे मैं इन्फाइनाइट यहां रखूंगा ये क्या बन जाएगा इन्फाइनाइट, लेकिन अगर ये इन्फाइनाइट बन गया तो आंसर वन नहीं आएगा, इसका मतलब ये कि इसे इन्फाइनाइट बनने से रोको, इन्फाइनाइट बनने से रोकने का एक ही तरीका है कि एक काम करूं ए को बोल दूं भाई सुसाइड कर ले यार, नहीं है, अगर कल को ए सुसाइड कर लेगा तो एक्स बचेगा ही नहीं, और एक्स अगर बचेगा नहीं तो मैं लिमिट लगा ही नहीं पाऊंगा, तो ए सुसाइड कैसे कर सकता है, जीरो बन जाएगा, अगर कल को ए जीरो बन गया तो जीरो इंटू एक्स जाएगा, गायब भी हो जाएगा, लिमिट लगाने का मौका ही नहीं पड़ता, नहीं आई बात समझ में, कहने का मतलब ये कि ये इन्फाइनाइट बनने वाला था, इन्फाइनाइट बनने वाला था, फिर क्या हुआ ए ने क्या किया सुसाइड कर लिया, आया ना, इंप्लाइज ए इक्वल टू कितना हो गया जीरो, तो कितने लोगों को पता लग गया कि मेरे पास दो जनों के बारे में तो पता चल गया, एक तो ए जीरो है और सी कुछ भी है, कुछ भी है, इसका मतलब ये कि बचा कौन बी, और बी इज इक्वल टू वन, सो बी इज इक्वल टू वन, क्या कहानी के एक चरण तक पूछ पहुंच गई बात, एक चरण छोटा सा है ना, खड़क अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, अगला लिमिट देर की एक्सटेंस टू इन्फिनिट
बच्चों का क्वेश्चन है क्योंकि पप्पा क्वेश्चन इसके बाद आएंगे। माइनस में दे रखा है ax प्लस बी, ax माइनस बी इक्वल टू जीरो, फाइंड ए एंड बी। हाँ साहब, ये कौन है इतना प्रतिभा वाला? सही हुआ है निकालता तो बहुत ही सही। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। कुछ नहीं, हाँ भाई। हाँ, कितने लोगों को लगता है पहला काम ये उतना खूबसूरत नहीं है? क्यों? क्योंकि वो x पूरे के नीचे डिवाइडेड था। हाँ या ना, इसकी गलती है। कितने लोगों को लगता है कि पहली चीज मुझे फटाफट फटाफट ax एक्स इंटू एक्स प्लस वन माइनस में बी इंटू एक्स प्लस वन अपॉन में नीचे टोटल के नीचे x प्लस वन कर दूं? इसे क्या कहते हैं? कैल्सियम लेना। कैल्सियम लेना है ना, ले लिया इसने कैल्सियम। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि रुको एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो? अरे ऐसे छांट के अलग करेंगे ना, ये मिर्ची अलग, ये नमक अलग, ऐसे एक्स स्क्वायर अलग। पहले बताएं एक्स स्क्वायर के कॉमन लेने पे क्या बच रहे हैं? सिर्फ बड़े बच्चे जवाब दें जल्दी से, वन माइनस ए। बहुत बढ़िया। अब हर बच्चा जवाब दे कि दूसरे नंबर पे मैं पकड़ के लाने वाला हूं एक्स को। एक्स का कोई प्राणी है क्या बताओ? एक्स के नाम पे कौन है बोलो ना? माइनस बी। और जिस दिन इसकी इससे गुणा होगी तो माइनस ए, तो माइनस बी। यार राम साथ नहीं देता मेरा। कॉन्स्टेंट बताओ कौन है? एक तो वन है और माइनस बी नहीं आया। लिख दो तो प्लस में कितना लिख दू? वन माइनस बी। श्योर है? नहीं आया। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं आपके सामने, रेडी? अब मैं इसके नीचे लिखने वाला हूं एक्स प्लस वन और मैं बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देना। लिमिट क्या है? लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिटी। आंसर क्या लाना है? जीरो। कितने लोगों को पता है लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिटी में आंसर जीरो तभी आता है जब नीचे वाले की डिग्री बड़ी हो। अगर नीचे वाले की डिग्री बड़ी तो इनफिनिट नीचे चला गया था। नहीं आई बात समझ में? और नीचे वाले की डिग्री बड़ी है माने इनफिनिट अगर नीचे गया तभी आंसर जीरो आया है। लेकिन यहां तो बड़ी डिग्री एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये कि आंसर जीरो आया होगा। आंसर तो जीरो लाना है, इसका मतलब 100% बात है नीचे वाले की डिग्री को बड़ा करना है। आंसर जीरो है, पहले लिख लेते हैं, आंसर जीरो लाना है। आंसर जीरो लाना है, हाँ या ना? आंसर जीरो लाना है साथ, इसका मतलब नीचे की डिग्री, नीचे बोले तो डिनोमिनेटर की डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर की डिग्री। क्या सही बात है? अगर मुझे नीचे वाले की डिग्री बड़ी करनी है तो जो ऊपर वाले की डिग्री है एक्स स्क्वायर जो मुझे दिख रही है वो मुझे दिखनी नहीं चाहिए। और अगर दिखनी नहीं चाहिए तो साथ वाले को क्या बोलूं? सुसाइड। अरे नहीं आया समझ में? अगर ये सुसाइड ही कर लेगा तो एक्स स्क्वायर गायब भी हो जाएगा। नहीं बात समझ में? अच्छा, सोच के जवाब देना। फिर अगली डिग्री को भी सुसाइड का बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलूं। अगर मैंने नहीं बोला तो एक्स बचेगा और नीचे भी तो इक्वल डिग्री हो जाएगा ना, जबकि मुझे तो नीचे वाली डिग्री बड़ी चाहिए। इसका मतलब बोलूं कि नहीं बोलूं? बोल दूं सुसाइड कर ले बेटा। अगर इसने सुसाइड कर ले तो बचेगा कौन? वन माइनस बी अपॉन एक्स प्लस वन, और एक्स की जगह इनफिनिट लगते जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। क्या आपको प्लानिंग समझ में आ रही है? इसका मतलब हर क्वेश्चन में जो भी सामने दे रखा उसके अकॉर्डिंगली फैसले लो। इन्फाइनिट के क्वेश्चन में हर बार इसको देख करके फैसले लो कि मुझे किस किस को सुसाइड करवाना है। क्या कहानी पकड़ में आई? नहीं आ रही अभी भी, थोड़ा थोड़ा क्लिक करी है ना। तो मेरी तरफ से पहला बात है कि नीचे की डिग्री बड़ी, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, ठीक है, सुसाइड कर दू है ना भाई? अच्छा, एक्स का कोफिशियंट सुसाइड, सही है कि नहीं? अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट ने सुसाइड करा इसका मतलब वन माइनस ए बोल दो जीरो। अरे नहीं 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 नहीं, समझे नहीं क्या? ये क्या बन जाएगा? जीरो। और ये क्या बन जाएगा? जीरो। और ये जीरो नहीं, आई बात समझ में? ये जीरो नहीं, इसका मतलब ये बन गया क्या? माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो एंड वन माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या आप मेरी बात समझ पाए कि ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस वन है? सही है, बस ये तो चाहिए था। क्या आप समझ पाए? नहीं है अभी भी, थोड़ा थोड़ा।
सही ना? आप यकीन नहीं करेंगे, ये ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन हमने करवाया 2011 में, और 2011 के पेपर में सिर्फ इतना सा फर्क के साथ में आईटी में दे डाला, सिर्फ एक एक्स लगाया। सोचो उस बच्चे को कैसी शांति मिली होगी। नहीं, वो एक ऐड था ना टाटा डोकोमो का, भलाई की सप्लाई है ना। इस समय आपका बॉयफ्रेंड है ना किन किन नामों से पुरस्कृत हो रहा होगा, है ना, धरती पे बोझ, गधा, सुअर, पाजी, ठीक है। क्यों ना आपकी एक सेल्फी उसे कितनी राहत देगी। सही है ना, याद है आपको? ठीक है, बिल्कुल वैसी वाली फील आई होगी उस समय। और यार ये तो देखा देखा सा लगता है, देखा देखा सा, भले क्वेश्चन हो चाहे नहीं, लेकिन लगता है यार आईटी अपना है। ठीक है, हाँ भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अंदर जीरो लाना है, इसलिए नीचे वाले की डिग्री बड़ी वाले से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब जो जो भी बड़ा देने वाला उन सबको सुसाइड। हाँ या ना? ठीक है, अब अपन ने जैसा बोला था, क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन इसका पप्पा होगा, है क्या? नहीं पप्पा आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं, आपको इससे मोहब्बत हो जाएगी। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिट, और आपको पता ही है जिससे मोहब्बत हो जाती है उसको करने की इच्छा नहीं आएगी। ठीक है, ए इंटू में यहां दे रखा है कितना, 2x³ - x² + b, ब्रैकेट में दे रखा है x³ - 5x² + 1, ठीक है, माइनस में c, ब्रैकेट में दे रखा है 3x² + x² 3x³ + x² अपॉन, नीचे दे रखा है a, यहां दे रखा है 5x⁴ -x - bx⁴ + c - 4x⁴ + 1 + 2x² + 1 + 5x = 1। देन एबीसी क्या देखते हो आप, क्या कहते हो, मोहब्बत हो गई कि नहीं, है कि नहीं? हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है कि पहली बात तो उन्हें पता है कि हर बार जब भी क्वेश्चन मुझे ऐसा मिलेगा मुझे पहला काम क्या करना है, सारे लोगों को कैटेगराइज करना है, एक्स क्यूब वाले ये हैं, एक्स स्क्वायर वाले ये हैं, एक्स वाले ये हैं, कर पाएंगे? तो सबसे पहले बता दो ऊपर की टॉप डिग्री एक्स क्यूब है ना भाई। अच्छा, तब तक आपकी आंखें जब तक उस बोर्ड पे गड़ी हुई है, बताओ एक्स क्यूब के साथ साथ कौन कौन है, 2a है, और बोलो माइनस का 3c है, बोलो हाँ या ना? अगला आदमी ले रहा हूं एक्स स्क्वायर का, बोलो आप, तो बोलो कौन है पहला, माइनस का a है, वेरी गुड, माइनस का 5b है, बहुत बढ़िया, और बोलो माइनस का c है, और बोलो, और कुछ बचा? x के नाम पे कोई प्राणी है क्या ऊपर, x का नाम तो कोई पंछी नहीं है, सही ना? तो x को गायब ही कर दूं, कॉन्स्टेंट है क्या कोई, बोलो कौन, b, एम आई श्योर? अच्छा, क्या अब आपको लगता है कि सुंदर बन गया? yes, है ना, देखो पप्पू ने कंघी कर लिया, अगर आओ नीचे, नीचे की टॉप डिग्री बोलो, 4। अच्छा, x⁴ बोलो, अरे वाह 5a, और बोलो माइनस b, और बोलो प्लस का 4c, अरे वेरी गुड 4c है ना भाई। अच्छा, और बोलना क्या, x³ का कोई है क्या पंछी, x³ का कोई पंछी नहीं है, अरे वेरी गुड, x² का है क्या कोई, x² के नाम पे 2 है ना भाई, और कोई है क्या? अच्छा, एक्स के नाम के पंछी बोलो कितना, 5 - a, तो कितना हो गया 5 - a, है ना भाई, और आंसर क्या लाना है 1, क्या ख्याल है आपका, कॉन्स्टेंट भी है क्या, और बोलो कितना, c, राइट है। अच्छा, और लिमिट क्या लगानी है आपको, एक्सटेंड्स टू इनफाइनिट, एक सेकंड गेट बंद कर लेना, अच्छा लगता है यार लोग उचक उचक के देखते हैं, अंदर पढ़ाई हो रही है क्या, लग रहा हो नहीं, हम सब तो है ना कुश्ती वाला दंगल खेल रहे थे थोड़ी देर पहले, है ना। अच्छा हाँ, सोच के जवाब देना, आंसर कितना लाना है, क्या ये जीरो है, क्या ये आंसर जीरो है, जीरो कब आता है, जब नीचे की डिग्री बढ़ी हो, या फिर क्या आता था, इन्फिनिट, इन्फिनिट कब आता है, जब ऊपर वाले की डिग्री बढ़ी हो। अगर कोई नॉर्मल आंसर आ रहा है तो इसका मतलब इक्वल बाय इक्वल है, नहीं आया तो मैं अपनी बात पहले लिखता हूं, ना तो ये जीरो है, ना तो ये जीरो,
ना ये इनफाइनाइट, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। ये बातें लिखने की हैं? आप में से कई लोग सोचते हो कि मैं ऐसे ही अपनी खुशी के लिए चौक घिसता हूं। हाँ, ये नॉर्मल है। इसका मतलब इक्वल अपॉन इक्वल का खेल है। बात समझ भाई, इक्वल अपॉन इक्वल का मतलब ये कि ऊपर की और नीचे की दोनों तरफ की टॉप डिग्री बराबर की है। नहीं है? कितने लोगों को लगता है ऊपर डिग्री 3 और नीचे की टॉप डिग्री? और ये तो अन्याय है, एक्स क्यूब तो है ही नहीं। एक्स क्यूब रुको, हाँ सुसाइड, अरे रुको, ये पप्पा है, इसमें क्या दो जने एग्जाम मरते हैं, ऊपर का नीचे का, पहली बार देख रहा हूँ। एक्स क्यूब का ऊपर वाले के पास टॉप डिग्री है, नीचे वाले के पास नहीं है। नीचे वाले के पास x की पावर 4 है, ऊपर वाले के पास x की पावर 4 नहीं है, लेकिन दोनों के पास क्या है? x का स्क्वायर है, जिसपे वो दोनों राजी होंगे। नहीं आया समझ में? x क्यूब वाला ऊपर वाले के पास बैठा है, x क्यूब वाला ऊपर वाले के पास है, x की पावर 4 नीचे वाले के पास है, दोनों के पास कॉमन क्या है? एक्स स्क्वायर। तो याद रखना है ना, एक्स क्यूब न्यूमरेटर में ही है, सो सुसाइड। कैसे? सुसाइड है ना। हाँ ठीक है, x की पावर 4 डिनोमिनेटर में है, सो सुसाइड। ठीक है हाँ भाई, इसका मतलब समझाएंगे हमने से कोई बच्चा? 2a प्लस बी माइनस थ्री सी बराबर 0। अगला बोलो, 5a माइनस बी प्लस 4c बराबर 0, राइट है कि नहीं? अब बच्चा कौन? एक्स स्क्वायर दोनों में, एक्स स्क्वायर दोनों में, ठीक है। इसका मतलब ये इक्वल अपॉन इक्वल पे खेलेगा, इक्वल अपॉन इक्वल। मैं लगा दूं इसको, अगर मैं लगाता हूं तो इसका मतलब ये बन गया कि माइनस ए माइनस का 5b माइनस का c अपॉन 2 अपॉन 2 नीचे का इक्वल टू कितना है? 1 है। क्या आपको लगता है कितने अननोन है? 3। कितनी इक्वेशन है? 3। आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस तो निकाल लेना, ठीक है, डू योर सेल्फ। और आपको पता है डू योर सेल्फ का मतलब कोई नहीं करेगा, सही है ना? ठीक है, लेकिन हमने को कितने लोगों को सीन समझ में आ गया है ना? पप्पा तक कंट्रोल आ गया, 3 कंट्रोल मैंने अलग अलग जगह से थ्रो करें। अच्छा कितने लोगों को सैंडविच आ गई? सैंडविच का सीन समझ में आ गया? सबसे छोटे की बारात और सबसे बड़े की बारात, और दोनों के आंसर हर बार सेम आते हैं, सही है। आप टाइम घोटी करना चाहो तो पूरी सजा सजा के लिखो, बोर्ड के अंदर होता नहीं है तो लफड़ा ही नहीं है, सही है। कहानियां तक बढ़ मांगे। अच्छा कितने लोगों को समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर जब भी कॉमन लो तो मॉड खेचो, और लिमिट अगर एक्सटेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट तो माइनस एक्स लिखो, और बाद में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट सब भूल जाओ, सी फील कर लो आप, है ना? है ना भाई? अब मैं बिल्कुल रहा हूं, मैं जरा जो बचे हुए फूल हैं छोटे छोटे जिनसे आपके इतनी देर तक जो खून बहा है ना, मैं सारा दूर दर्द दूर कर दूंगा, ठीक है। मेरे को पता है आपने से कई लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, सर कुछ बताने वाले थे आप, अब तो बता दो सर क्या था ऐसा, है ना? हम लोग इतनी देर से बैठे हैं। हाँ भाई, लिमिट दे रखी है एंटेंस टू इन्फाइनेट, क्वेश्चन में दे रखा 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन में 3 इंटू 4 प्लस में दे रखा 1 अपॉन 4 इंटू 5, और ऐसे बढ़ते बढ़ते, ठीक है, यहां दे रखा है 1 अपॉन में n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक है। अरे आपकी आंखें खुली रह जाएंगी थोड़ी देर के बाद, थोड़ी सी देर और रुक जाए, बस 2-3 क्वेश्चन तक मतलब आपको लगेगा, उसके बाद तो आपको लगेगा क्या हो गया ये अचानक से, है ना? अचानक से काम भागी गाड़ी। हाँ भाई देखिए साहब, लड्डू क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन करवाने की वजह क्या है? वजह बताता हूं, ये इंटीग्रेशन में काम आएगा। इंटीग्रेशन का बीज यहां से पड़ता है, इसको याद रख लेना। जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई में हो तो उन्हें माइनस में कैसे बदलते हैं वो तरीका बताता हूं। बस एक दोनों के बीच में डिफरेंस पक्का करो, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का। हाँ यार, अगर डिफरेंस 1 का हो तो आपको लिखना चाहिए 1 अपॉन डिफरेंस,
फिर ऐसे ब्रैकेट खोल दें, छोटू पहले माने 1/2 पहले और बड़ा वाला बाद में, हो गया लो अलग अलग। मैं यही बात समझ गया। अगर मुझे इन दोनों को अलग करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का, तो मैं लिख दूंगा 1/ डिफरेंस, छोटा पहले बड़ा बाद में। आपको बात समझ में आई? अगले वाले के अंदर दिख रहे हैं वही 1/4 माइनस 1/5, ऐसे होते होते लास्ट आदमी के बीच का भी डिफरेंस 1 का, तो 1/1 छोटा पहले बड़ा बाद में। कितने लोगों को लगता है बहुत गहरे बादल आए, खूब बरसात हुई, हुई कि नहीं हुई? ये इसको काट गया, ये इसको काट गया, माने प्लस वाले ने आगे माइनस वाले को काटा, तो इसको ये अपने आगे वाले को काटेगा। दुनिया में कितने लोग बचे? एक तो 1/2 और एक 1/(n+2)। n की जगह क्या रखूं? और 1/∞? 0। तो आंसर क्या बच गया? 1/2 माइनस 1/(n+2)। ठीक है, जो ये बन गया कितना? 0। तो 1/2 माइनस 0 उर्फ 1/2। क्या मुश्किल है? नहीं है ना? एक मिनट और। हाँ साहब, अब मैं आपको बताता हूं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो दो बातें जरूर याद रखना। मेथड तो रट के रख लेना, काम आएगा। मेथड तो रट के रख लेना, काम आएगा कि मैंने क्या किया था। कितने लोगों को ध्यान है कि मैंने क्या बोलता जा रहा था? ये क्या लिखा? 1/ डिफरेंस, फिर क्या लिखता था? छोटा पहले बड़ा बाद में। ठीक है, हाँ। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका नंबर 2, ये तो तरीका है डायरेक्ट करने का तरीका। छोटा मेथड कहता है 1/ फर्स्ट टर्म, जो भी पहला आदमी हो, फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंस, खत्म। पहला टर्म कौन है भैया? 1/2, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का था? 1 का, तो आंसर 1/2 ही होना था। हर बार काम करता है विदाउट फेलियर, विदाउट फेलियर काम करता है, तो डोंट वरी। राइट है, अगला क्वेश्चन, लिमिट n टेंस टू इंफिनिट। मान लो प्रसंग होता 1/2 × 3 × 4 का, किसका होता? 1/2 × 3 × 4 होता 1/3 × 4 × 5, और ऐसे बढ़ते बढ़ते जाता 1/(n+1)(n+2)(n+3), ऐसा होता। तो क्या करते सर आप? फिर क्या करते? सुनो, तब पहले और आखिरी के बीच का डिफरेंस पूछता, कौन बताएगा डिफरेंस? 2। तो मैं इसको लिखता हूं 1/(difference), बहुत ध्यान से देखना, 1/(difference), फिर पहला कपल माइनस दूसरा कपल। पहला कपल बोले तो 1/(2×3), दूसरा कपल बोले तो 3×4। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब जल्दी से बताओ डिफरेंस, बोल नहीं रहे यार, अंदर क्या लिखूं? 3×4 माइनस 1/4×5। आई बात पकड़ में? ऐसे चलते चलते लास्ट आइटम होगा 1/2, और यहां कितना हो जाएगा? 1/(n+1)(n+2) माइनस 1/(n+2)(n+3)। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये इसको काटेगा, उससे पहले वाला इसको काटेगा, ये अपने आगे वाले काटेगा। दुनिया में 2 जने बचेंगे, ये और ये, जिसमें एन की जगह क्या रखोगे? तो आंसर 0। उधर क्या बचेगा? 1/2 × 2×3। हाँ भाई, क्या आपको तरीके बताऊं? 1/(first couple) इंटू डिफरेंस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आए फिर छोटा क्वेश्चन हो गया, है ना? अच्छा, जैसे 1/4 × 5 × 7 होता, नहीं 4 × 5 × 6 होता, तो ये पहला कपल है और ये दूसरा कपल है, हाँ? और शर्मा नहीं था ना, और तंजीर एक और भी था यार हमारे बीच में, एक और बंदा भी था, वो यार जब भी लिमिट एन टेंस टू इनफिनिट 3×(n+4)×n। अरे देखो, हाँ मैं जानता हूं, हर बार ये पहले ऐसे ही चालू, ये चालू ही ऐसे होता है, इधर दिमाग लगाओ। कितने लोगों को लगता है ये वाला क्वेश्चन? देखना जरा, एक मिनट, पहले पहले फॉर्म बताओ, फॉर्म तो बताओ।
अच्छा चलो, तीन की पावर इन्फिनिट इन्फिनिट, चार की पावर इन्फिनिट इन्फिनिट, इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट इन्फिनिट, इन्फिनिट की पावर जीरो। ये इन्फिनिट की पावर जीरो का खास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना, फील करना, आप में से कई लोग समझ पाएंगे। मैं क्या शॉर्ट लगा रहा हूं वो बताना, इन दोनों में बड़ा कौन है? ऑब्वियसली बात है, कॉमन कह देता हूं। अगर मैंने फोर की पावर इनको बाहर बुला लिया, क्या था बेटा? बारह था, क्या बारह की गिरेगा? फोर, वेरी गुड। अरे कितने लोग लगता है यहां क्या बचेगा? अरे 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 क्या कहते, सही है क्या? ये कितना बचेगा? वन की पावर कितना? वन बाई एन। और लिमिट कितनी चल रही है अपनी? एन टेंस टू इन्फिनिट। लगता है ये कितना हो गया? क्यों क्यों जीरो क्यों? एक से छोटे की पावर इन्फिनिट जीरो, और ये प्लस वन जीरो प्लस वन, और बाहर ये कितना? जीरो, और वन की पावर जीरो वन इंटू फोर, तो आंसर कितना हो गया? हाँ, अरे 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 ट्रिक बन गई क्या? जो बड़ा है वही आंसर है। दोनों में बड़ा कौन था? फोर, तो आंसर क्या हो गया? फोर। नहीं है, कितने लोगों को लगता है कि अगर कल को ये थ्री की पावर एन प्लस फोर की पावर एन प्लस फाइव की पावर एन प्लस सिक्स की पावर एन होता तो होल पावर कितना होता था? सिक्स, राइट है ना? अपन को ये पता चल गया कि जैसे ही ऐसा आएगा अपने को क्या बोलना है? सिक्स, जो बड़ा है वही आंसर है। तो लोगों को लगा यार ये तो गड़बड़ है, एक काम करते हैं बच्चों को देते हैं धोखा। कैसे धोखा दे बाबा? ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, इन्फिनिट लगाया ही नहीं, लिमिट ही एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट लगा दी। फिर क्या किया? फिर इधर कर दिया थ्री की पावर वन अपॉन एक्स प्लस फोर की पावर वन अपॉन एक्स प्लस फाइव की पावर वन अपॉन एक्स प्लस सिक्स की पावर वन अपॉन एक्स। लेकिन आपको पता है बच्चा वो कारीगर होता है जो इंसान की खाल में छुपे भेड़िए को ढूंढ लेता है। कितने लोगों को लगा कि ये तो वही है जो ऊपर लिखा था? देखो तो सही, x की जगह जीरो रखा था, ये भी इन्फिनिट, ये भी इन्फिनिट, ये भी इन्फिनिट, ये भी इन्फिनिट जीरो, और ये भी। अरे ये तो वही है, अरे नहीं आया, इसको मतलब धोखा दे सकता है। मैं लिमिट इन्फिनिट सोच के दूंगा ये तो जीरो में खेलने लग जाएगा अचानक से, तो भी आंसर कितना होगा बोलो ना? सिक्स नहीं है, है ना? अब इस पर अपनी शीट का क्वेश्चन क्या कहता है? ये वाला क्वेश्चन तो कहां का? ये वाला तो जीएन बर्मन का। शीट क्या कहती है? शीट पे चलते हैं, ठीक है? शीट कहती है कि अरे शीट तो ऐसी बातें करने लगती है ना जिसपे बच्चा सोचता है भाई, है ना, सुपरलेटिव डिग्री लग गई अब तो। कहता है वन की पावर में कॉसेक स्क्वायर एक्स, बच्चे को हवा लगनी बंद है। टू की पावर में कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये कॉसेक में कहां से आ गए रे? थ्री की पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है? और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक? एन की पावर कॉसेक स्क्वायर एक्स। अरे अरे सोचो ना, और पावर में कितना? साइन स्क्वायर एक्स। एक मिनट, कितने लोगों को लगता है कि ये और वो एक ही परिवार के लोग हैं? आंसर कितना है ये बता दो पहले तो, आंसर कितना है? एन, हाँ या ना? कितने लोगों को लगता है ये क्या देने वाला है? ये क्या देने वाला है? सब इन्फिनिट, और बाहर वाला जीरो, तो आंसर विल बी एन। याद है, क्योंकि बड़ा ही आंसर है, ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, ट्रिक तो देखते बन गई थी कि बड़ा ही आंसर है कि नहीं? अब बच्चा सोचेगा, दूसरा जो देखेगा वो सोचेगा पता नहीं बीच का स्टेप कहां चला गया। क्या बताने की जरूरत है क्या? है कि नहीं? क्या वर्थफुल रहा, मतलब जो लास्ट का दो मिनट आपका और मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, है ना? नहीं है,